ओम शांति। वो भगवान है, भगवान जिसको आधा क्लब के लिए ढूंढा, भक्ति मार्ग में पुकारा, ढूंढा हमने बहुत। आपको क्या लगता है आपने ढूंढा होगा? आप सोचते हो ना, मैंने तो इस जन्म में ढूंढा नहीं, तो शायद पहले भी ढूंढा, लेकिन वो जो टीस है ना, वो जो कशिश है ना, जिसके कारण आप बाप के बने हो, वो ढूंढने की वजह से, भले इस जन्म में आपने नहीं ढूंढा, इस जन्म में पता भी नहीं पड़ा, मिल गया भगवान, लेकिन भगवान की जो लगन है ना, ये आत्मा को महसूस होती है, शरीर को थोड़ा ही। ओके, ये कहते बाबा की याद नहीं आती है, याद नहीं आती है, आत्मा नहीं समझते इसे, याद नहीं आती, आत्मा समझो याद आएगी, आएगी, नेचुरल है। शरीर समझते हो देहधारी याद आते हैं, आत्मा समझो परमात्मा याद आए। बहुत सिंपल मेथड है। आत्माभिमानी हो रहते हो, आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर बाबा की याद नहीं आती है ना, तो बहुत सहज सी बात है, आत्माभिमानी नहीं है। अगर किसी भी देहधारी की याद आती है, देह अभिमान है। बॉडी कॉन्शियस होने से बॉडीज याद आती है, सोल कॉन्शियस होने से सोल का परम पिता परमात्मा याद आता है, सुप्रीम सोल याद आती है, उसके साथ का अनुभव याद आता है। अगर देह समझा तो देहधारी याद आएंगे ही आएंगे, और किसी भी देहधारी की याद देह में ही लाती है, और देह से न्यारा होना है ना। अब ये घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हैं? तो कई बच्चे कहते हैं बाबा से कि बाबा ये घड़ी घड़ी हम ना भूलें, ये तो हमारा पार्ट है ना कि ना भूलो, वो तो तुम्हें याद करता है, वो तो तुम्हें याद दिलाता है, ये तुम्हारा पार्ट है कि तुम ना भूलो। आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंध याद आएंगे, ये पक्का करना है, हम आत्मा है। और अगर आप किसी को देखते हो कि कोई अपने मित्र संबंधी या लौकिक किसी को याद कर रहा है, तो उसे याद दिलाओ कि तुम्हें याद किसको करना है। किसी भी देहधारी की याद किसी को भी आई तो उसको ले डूबेगी। ओम शांति।